आम आदमी पार्टी के नेता सदस्य संजय सिंह, आतिशी, सौरभ भारद्वाज और जास्मिन शाह ने पार्टी से संबंधित बात रखने के लिए आज प्रेस वार्ता रखी। इस दौरान होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की वेबसाइट भी लॉन्च की। इस वेबसाइट का नाम आपका रामराज्य दिया गया। संजय सिंह ने प्रेस वार्ता में कहा कि ये पहली रामनवमी है जब CM अरविंद केजरीवाल जेल में है। उन्होंने सही मायनों में रामराज्य की अवधारणा पर दिल्ली में काम किया है। रामराज्य यही था जहां जनता के लिए राज्य चलाया जाता था, वही काम केजरीवाल कर रहे हैं, जनता के लिए सरकार चला रहे हैं, जहां बिजली, पानी, बच्चों की अच्छी शिक्षा और लोगों के अच्छे इलाज की बात होती है। देश के आज़ाद होने के बाद से पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि लोगों को मुफ्त बिजली पानी मिल सकता है। जो लोग हमारे कामों को देखना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट पर जाएं और देखें कि हमारी सरकार ने दिल्ली और पंजाब में क्या काम किया था। भगवान राम को अपने राज्य के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था, इस तरह केजरीवाल को भी बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों पर आम आदमी के 6ठे चरण के 25 मई को मतदान होगा और वोटों की गिनती 4 जून को होगी। दूसरी तरफ केजरीवाल अब भी ED की कस्टडी में है। वो दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च की शाम को 2 घंटे की पूछताछ के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। अब देखना यह है कि आम आदमी पार्टी का रामराज्य का दाव चुनाव में कितना असर दिखाता है और दिल्ली की 7 सीटों पर इसका क्या असर पड़ेगा।